हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जानवी ब्यूटी एंड ब्लॉग, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज आप सोच रहे होंगे मैं इतना स्लो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दो तीन इस तरीके के कमेंट आए हुए हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बोलती हो, जिससे आपका चैनल का नेम जो है वो समझ में नहीं आता है। तो मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं स्लो बोलूँ, और थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले बोलूंगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि जब भी मैं किसी तरीके का वीडियो डालूं तो उससे आपको बेनिफिट्स हो और आप मेरी इन्फॉर्मेशन ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं एक शैम्पू का रिव्यू करने जा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, मैं डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया हुआ शैम्पू है, तो मैं इसके बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो गाइस, ये 375 की बॉटल है और 150 ml है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, बट आप इधर उधर से कोई भी शैम्पू ना उठा के एक शैम्पू एक आपको ब्रांडेड ही लेना चाहिए, अच्छा ब्रांड का लेना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया हुआ ही लो। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये क्या क्या बेनिफिट्स आपकी हेयर को देगा, तो चलिए फ्रेंड्स मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो इससे फ्रेंड्स आपका क्या है, अगर आपका रीग्रोथ नहीं हो रहा है तो इससे रीग्रोथ होगा, अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो हेयर लॉस आपका रुक जाएगा, अगर आपके हेयर तक लेंथ नहीं पकड़ रहे हैं तो लेंथ भी पकड़ेंगे, और अगर आपके हेयर मजबूत नहीं है तो इससे हेयर आपके मजबूत होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री शैम्पू है, बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से और कैसे कैसे यूज करना है। तो पहले यूज करने का टाइम बता देती हूँ, अगर आपके बालों में ज्यादा ऑयलनेस आता है तो आप वीक में आप दो दिन के बाद तीसरे दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो, और अगर आपको कम ऑयल आता है हेयर में तो आप वीक में दो बार यूज कर सकते हो। जब आपको लगता है आपके बाल गंदे हैं तभी आप ये शैम्पू यूज कीजिए, या कोई भी शैम्पू तभी आप यूज कीजिए, ज्यादा हेयर वॉश नहीं कीजिए। तो ये इस तरीके से, अब मैं इसको यूज करने का तरीका बताती हूँ कैसे आपको यूज करना है। जैसे ही हम यूज करते हैं वैसे ही यूज करना है, बस थोड़ा सा इसका मेथड है, थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको बताती हूँ। आप पहले अपने बालों को भिगा लीजिए या गीला कर लीजिए, जो भी आप समझ में आए आपको भिगा लीजिए बालों को। फिर आपको शैम्पू को लेना है और अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज करना है 2 से 3 मिनट्स। जब आपके स्कैल्प में अच्छे से मसाज कर ले, आप ध्यान दीजिए स्कैल्प में करना है, यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर नहीं करना है, मेन है स्कैल्प। अगर आपका अच्छे से स्कैल्प में मसाज होगी तो वहीं से आपके बाल मजबूत होते हैं, तो आपको स्कैल्प में मसाज करना है। स्कैल्प में मसाज करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट्स अपने बालों में इसको ऐसे ही रहने देना है, आपको छोड़ देना है। जब 2 से 3 मिनट्स हो जाए फिर आपको अपना हेयर वॉश करना है। तो इससे जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे वो आपको स्कैल्प को मिलेंगे, और आपके जो हेयर हैं वो मजबूत होंगे, रीग्रोथ होंगे और आपके बढ़ेंगे। और इसके बॉटल को आपको कैसे यूज करना है, मैंने बोला जैसे ही आप शैम्पू निकालते हो उससे पहले आपको बॉटल को शेक कर लेना है, तो ताकि जो भी उसमें बेनिफिट्स हैं तो वो एक जैसा शैम्पू हो जाए और सारे बेनिफिट्स आपके स्कैल्प को मिल पाए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स से लेना है। और इसके आप कोई भी इस तरीके का अगर शैम्पू यूज करते हो और मेरी डिटेल्स अगर आपको अधूरी लगती है, नहीं समझ में आता है, तो फिर यहाँ प्रोडक्ट के पीछे पूरी डिटेल्स दी गई है। आप कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट लेते हो तो प्रोडक्ट के पीछे ही डिटेल्स रहती है, आप वहां से पढ़ करके और फिर उसको यूज कीजिए, और उस तरीके से करते हो तो उसके बेनिफिट्स जो आप नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल यूज करने से ज्यादा आपको उससे बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि एक कोई भी प्रोडक्ट का हो उसको यूज करने का एक सही तरीका होता है। अगर आप एक सही तरीके से यूज करते हो तो उससे बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि एक शैम्पू से ही आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, अगर आपके गुच्छे वाले बाल टूट रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ कुछ और भी लेना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी इसके और आपके लिए सीरम लेकर के आऊंगी कि इसको और उस सीरम को अगर दोनों को साथ में लोगे तो बहुत ही अच्छे से बेनिफिट्स होगा। साथ में अगर आपको गुच्छे वाले बाल टूट रहे हैं तो आपको एक मेडिकल से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर आपके वो होते हैं कि 5-6 बाल इधर से निकल रहे हैं फिर इधर से निकल रहे हैं, अगर इस तरीके से होते हैं तो उसके लिए मैं गारंटी बोलूंगी कि आपका इस शैम्पू से वो हेयर लॉस जरूर रुक जाएगा, कि मतलब आपका इस तरीके से निकल रहा है, गुच्छे वाला निकल रहा है तो गुच्छे वाले के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी डिटेल्स समझ में आ गई होगी, और मैं कोशिश करूंगी या देखूंगी, इसकी लिंक अगर मुझे मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे मैंने मेडिकल से परचेस किया हुआ है,
तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, और इसी तरीके से मैं और अच्छे अच्छे रिव्यूज लेकर के आऊंगी। मैं ये वाला शैम्पू मैं अभी फिलहाल 3 महीने से यूज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे मेडिसिन की वजह से उसका कोई साइड इफेक्ट था, उसकी वजह से मेरा हेयर लॉस हो रहा था, तो मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला हुआ है। थोड़ा सा मैंने अपना पानी भी चेंज किया हुआ है, मैं मिनरल वाटर ही यूज कर रही हूँ अपना हेयर को वॉश करने के लिए। तो और ये शैम्पू और एक सीरम यूज कर रही हूँ, तो वो उस सीरम का भी लिंक आपको दूंगी, और उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।